हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीण। हम आज देखेंगे कि बेसिक गिटार के क्या होते हैं। ये पहला लेसन होगा गिटार के लिए, इसमें कि मैं कवर करूंगा हैंड पोजीशन कैसे होना चाहिए, आपका बैठने का तरीका कैसे होना चाहिए, आप पिक कैसे पकड़ते हो, गिटार के पार्ट्स क्या होते हैं एंड अ सिंपल एक्सरसाइज। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गिटार पकड़ते कैसे हैं। ओके, आपको ये कर्व दिख रहा होगा, ये आपने नया गिटार खरीदा है और ये ऐसे ही दिख रहा है या फिर कोई और मॉडल हो सकता है आपका, पर ये जो कर्व है वो ऐसी होती है। और अगर आप राइट हैंडेड हो तो आपको ये जो कर्व है आपके राइट थाई में फिट करनी है ऐसे, ऑर्थोडॉक्स पोजीशन जिसे कहते हैं, तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। मेरे यहाँ पे मैं ये फुटस्टूल यूज़ करता हूँ जिसके ये मेरा पैर जो है थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। ये मेरा फुटस्टूल है, मैं यहाँ पे पैर रखता हूँ इसके, इस तरह से मैं मेरा पैर फुटस्टूल पे होल्ड करता हूँ। मेरी बैक जो है वो एकदम स्ट्रेट है, एक कर्व मेरे राइट थाई पे फिट हो गई है और मैं ये गिटार जो है मैं शोल्डर से बैलेंस कर रहा हूँ इस तरह। एक्चुअली लेफ्ट हैंड की ज़रूरत नहीं है अगर आपको सिर्फ गिटार बैलेंस करना हो तो। अभी हम देखते हैं कि किस पार्ट को क्या कहा जाता है। ये जो बड़ा पार्ट है हम इसे बॉडी कहेंगे, यहाँ से जो आगे निकल रहा है वो गिटार का नेक होता है। ये जो है ये कीज़ है, इसे मशीन हेड कहा जाता है। ये जो वाइट है इसे हम लोग नट कहते हैं और इस पार्ट को ब्रिज कहेंगे। ये है साउंड होल, ये जो ऐसे बॉक्सेस हैं इसे फ्रेट्स कहते हैं, और ये पूरा हो गया फ्रेटबोर्ड सामने वाला। अभी आप गौर से देखेंगे तो शायद आपके गिटार पे यहाँ पे मार्क्स 3 पे होगा, 5, 7, 9, 12 पे 2 होंगे, 15 एंड 17 एंड 19। ये जो है मार्क्स वो हमें पोजीशन बताते हैं, यानी हम पोजीशन मार्कर कहेंगे। टोटल स्ट्रिंग है 6, हमेशा पहली वाली स्ट्रिंग जो होगी ये नीचे से हम लोग काउंट करेंगे, ये होगी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th, इनके नाम हम लोग देखेंगे बाद में। इसे हम लोग प्लेक्ट्रम कहेंगे, शॉर्ट फॉर्म इज पिक। अभी मैं ये 0.80 mm का यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। कभी कभी मैं 1.0 का भी यूज़ कर लेता हूँ, डिपेंड्स मैं क्या बजा रहा हूँ। अभी मैं कुछ सिंपल एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज होगी। सबसे पहले आप इस तरीके से बैठ जाइए, आपको आपका गिटार इस तरह होना चाहिए। अभी हम फिलहाल के लिए लेफ्ट हैंड यूज़ नहीं करेंगे। ये जो पिक है मैंने 2 उंगलियों में पकड़ा है, मेरा इंडेक्स फिंगर एंड थंब, क्योंकि मैं ऐसा पकड़ूंगा इस तरह। यहाँ पे 2 टर्म मैं यूज़ करूँगा, एक होगा डाउन स्ट्रोक और एक होगा अप स्ट्रोक। डाउन ये एक्शन होगी और अप ये एक्शन होगी। ये मेरा लास्ट फिंगर, लिटिल फिंगर मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ, मुझे आदत है। अभी आप भी हो सके तो ये प्रैक्टिस रख सकते हैं, इससे मुझे जजमेंट मिलता है मैं कहाँ हूँ। सो ये जो है मैं अप्रॉक्सीमेटली यहाँ टच करूँगा। उसके बाद जो फर्स्ट स्ट्रिंग है मैं उसको 4 बार प्ले करूँगा, डाउन
अप डाउन अप। आप काउंट भी कर सकते हो 1 2 3 4। अभी ये करते वक्त आपको सावधानी बरतनी है कि आप सिर्फ एक ही स्ट्रिंग को प्लग कर रहे हैं, आप एक्सीडेंटली दूसरे स्ट्रिंग को प्लग नहीं कीजिए। ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगा, मैं नीचे से लेके ऊपर तक जाऊंगा और फिर से ऊपर से लेके नीचे तक आऊंगा। मैं पहले स्लो करता हूँ इस तरह, आपके लिए फास्ट है तो आप इससे भी स्लो कर सकते हो। अभी आप ये वीडियो यहाँ पे पॉज कीजिए और दोबारा जब भी आप रिज्यूम करेंगे तो आप मेरे साथ करेंगे। मैं काउंट दूंगा, आप मेरे साथ करेंगे 1 2 3 4। ये एक्सरसाइज आप कम से कम 10 से लेके 20 बार आप कर लीजिए। अगर आप ये सक्सेसफुली कर सकते हो तो आप नेक्स्ट लेसन के लिए तैयार हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।